नमस्ते टू ऑल। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है आएंगे। यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम है, KBS, PGT, PGT, TGT, झारखंड, RPSC सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट वगैरह के लिए सभी के लिए। ऐसा कोई क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर का नहीं है जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए नहीं है। अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे मुल्क राज आनंद से रिलेटेड, जो ऑथर है इंडियन ऑथर मुल्क राज आनंद, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। UGC नेट दिसंबर 2009 का ही क्वेश्चन आया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री एंड फिक्शन, इनमें से किसने जो कंबाइंस किया था एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री एंड फिक्शन को, तो मुल्क राज आनंद हैं ये। मुल्क राज आनंद जन्म 1905, 2004 में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन राइटर इन इंग्लिश में थे। आनंद इज एडमायर्ड फॉर इज नॉवेल्स, इनकी शॉर्ट स्टोरी विच हैव बीन एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ बीइंग क्लासिकल वर्क ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में अपनी जो स्टोरीज दी हैं, नॉवेल्स दी हैं, बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस इनके वर्क्स रहे हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुल्क राज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर सेज, गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड, इन विच नॉवल डज गौरी अपीयर। यहाँ लाइन है कि सीधे सीधे गौरी का हम बहुत जगह सीधे से पूछ लिया था कि गौरी जो कैरेक्टर है कौन से ऑथर का प्ले है, वो है कैरेक्टर है, या फिर इसका जो है वो पूछ लिया जाता है किस नॉवल में ये अपीयर हुआ है। गौरी नाम का कैरेक्टर बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। यहाँ पर मुल्क राज आनंद ने इसके बारे में कहा है कि ट्रिब्यूट है कि इंडियन वुमेन जो है, भारतीय जो नारी शक्ति है, नारी जो है, नारीत्व है, उसको जो डिपिक्ट करती है गौरी टोटली। तो कहाँ पर इन्होंने ये दिया है, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, इनकी वेरी फेमस जो है नॉवल है उसमें इन्होंने गौरी एक कैरेक्टर लिया है जहाँ पर उसको डिपिक्ट किया है भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से ही। और गौरी अपीयर्स इन मुल्क राज आनंद द ओल्ड वुमेन एंड काउ 1960 का ये इनका वर्क है। KBS PGT 2013 का क्वेश्चन। मुल्क राज आनंद फादर वाज ए क्लर्क, उनके फादर जो थे मुल्क राज आनंद के क्लर्क थे, पर कहाँ थे, आर्मी में। इन द नॉवल अनटचेबल बाखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो कैरेक्टर वो सिर्फ बाखा है। बाखा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इन द नॉवल अनटचेबल बाखा सिस्टर इज, क्या है अब यहाँ पर बाखा की सिस्टर का नाम पूछा गया है, तो सोहिनी। ये दोनों कैरेक्टर, ये अनटचेबल, अगर आप मुल्क राज आनंद को पढ़ रहे हैं तो अनटचेबल आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये नॉवल है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते, तो टोटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ए नॉवल रिटन बाय मुल्क राज आनंद, एक नॉवल लिखा है उसका नाम क्या है। यहाँ पर द अनटचेबल भी देखा, एन अनटचेबल भी देखा, अनटचेबल भी देखा, अनटचेबल्स भी दे रखा है। अब द अनटचेबल में से, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है मुल्क राज आनंद ने कौन सा लिखा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। लेकिन सिर्फ देखिए कन्फ्यूजन कितना हो जाता है कई बार, यहाँ पर ही कन्फ्यूजन करने वाले वर्ड्स हैं। एक बार को इसको तो हम नहीं पहच कर देंगे, इग्नोर कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो सिर्फ अनटचेबल इन्होंने मुल्क राज आनंद ने लिखा है, तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों को भी पूछ लिया जाता, देख लिया जाता। आर पी एस सी पी जी टी का जो है लेवल है भी हार्ड थोड़ा सा, तो फिर भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट बहुत है कि सीधा सीधा अनटच, एक सिंपल सा क्वेश्चन है पर हार्ड हो जाता है कभी कभी जब इस तरह से पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन तो बन ही जाता है। इनके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा हो जाता है, या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जो एग्ज़ाम देने वाले मुल्क राज आनंद को इतनी वैल्यू देते नहीं है। सच तो यही कि मुल्क राज आनंद को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, अदर जो जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, TS Eliot को पढ़ लिया, किट्स को पढ़ लिया, मिल्टन को पढ़ लिया, लेकिन मुल्क राज आनंद को जब हम अपने ऑथर्स को इनको वैल्यू नहीं देते, और ये सबसे ज़्यादा नंबर हमें दिला सकते हैं। ये भी हमारी जो कहीं ना कहीं गलती होती है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। अपना ही ऑथर है, इंडियन ऑथर है, इनको पढ़ें समझें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सिंपल इनके बारे में पूछे जाते, हार्ड नहीं पूछे जाते ज़्यादा,
पर फिर भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि हम इतनी वैल्यू देकर इनको नहीं पढ़ते हैं। हम विलियम शेक्सपियर तक ही अटक जाते हैं या जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ तक ही अटक जाते हैं। बीरबाज मुल्क राज आनंद बॉर्न कहाँ पर जन्म हुआ था, इनका पेशावर जो है उनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में। ब्रिटिश इन पेशावर ब्रिटिश नॉन पाकिस्तान में है ये, पर नाम पेशावर ही आता है। ही वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन। तो मेन चीज़ हमारी यहाँ पर ये पेशावर में इनका जन्म होता है कब, 1905 में। हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज अनपब्लिश बिफोर 1935, से पहले उन्होंने कितनी बुक्स लिख दी थी, तो 5 बुक्स इन्होंने लिखी थी। पहली पर्सियन पेंटिंग, दूसरी करीज करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, तीसरी द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, चौथी द गोल्डन ब्रीथ, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब में है। यहाँ तक मुल्कराज आनंद के क्वेश्चन कुछ है। थैंक्स अ लॉट।